गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेजपुर। आज है हमारे जर्नी का डे 4। आज हम यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसमें एक कुछ स्पेशल बात है, तो वो वहाँ विजिट करेंगे। क्या स्पेशल बात है वहाँ पे आपको बताएंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम अरुणाचल एंटर करेंगे। आज जा रहे हैं हम भालुकपुंग तक। हम भालुकपुंग में भी रहना चाहते हैं, तो भालुकपुंग में हम क्यों रहने वाले हैं, यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर के आसपास ही है, तो इतना कम डिस्टेंस हम आज क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान था कि आज हम ये तेजपुर में रुकेंगे, थोड़ा सा तेजपुर घूमेंगे। पर हमने फिर सोचा कि तेजपुर तो वापस आते टाइम भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इस बार क्यों ना भालुकपुंग एक्सप्लोर किया जाए, जो कि उतना ज्यादा एक्सप्लोर्ड जगह नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया और अभी हम निकल रहे हैं भालुकपुंग के लिए। हमने यहाँ कल आके होटल लिया, जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा, तो हम अभी ठहरे हैं होटल दुर्वा में। कुछ खास नहीं लगा और प्राइस भी थोड़ा सा हाई है। प्राइस के मुकाबले होटल कुछ खास नहीं है वैसे, पर हम कल इतना टायर्ड हो चुके थे कि कल हमने ये होटल ले लिया। बहुत सारे होटल देखे पर कोई भी पसंद वैसा नहीं आया, फिर लास्टली ये मिला और इस होटल का प्राइस हमें पड़ा 1500। तो ये होटल तेजपुर के पुलिस पॉइंट के पास है। तो बाइक हमारा रेडी है, अब चलिए निकलते हैं। तो यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं मंदिर। तो ये मंदिर क्यों फेमस है, ये शिव मंदिर है, जो शिवलिंग है। इस शिवलिंग को लिविंग रॉक भी बोला जाता है, क्योंकि ये सालों साल बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा इंच करके, तो इसलिए इसको लिविंग रॉक भी बोला जाता है और बहुत लोग मानते हैं। तो इसका बहुत कहानी भी है, मैंने जो बचपन में सुना था कि हाथी से भी ये उठाने की कोशिश किया था शिवलिंग को, और फिर इसको तोड़ना भी चाहा था बहुत लोगों ने, पर वो कामयाब नहीं हुए इसमें। तो बहुत अच्छा लगा हमें विजिट करके। मैंने बचपन में भी एक दो बार किया था और बहुत साल बाद अभी मैं कर रही हूँ। और पूजा भी, हम जब अंदर गए तो पूजा हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो थोड़ी दूर आने के बाद हम रुक गए, या ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैगी नहीं मिल रहा जो हमें खाने का मन था, तो हमने ले लिया है पराठा, बहुत दिन बाद हम खाएंगे। और यहाँ चाय आ चुका है मलाई डालकर, बहुत ही बढ़िया था खाना। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा दूर तो आज नहीं है हमारा, तो बस पहुँच ही जाएंगे कुछ ही देर में, एक से डेढ़ घंटा में हम पहुँच जाएंगे। तो एक सुंदर नज़ारा दिखा हमें, तो यहाँ पर उतर रहे हैं अभी। हम लोग जा रहे थे भालुकपुंग, तो रास्ते में कुछ दिखा कि हमें थोड़ा सा डिटूर लेके वहाँ पे फाइनली थोड़ा देर के लिए हॉल्ट लेना पड़ा। तो वो क्या चीज़ है अभी दिखाते हैं आप, ये देखो, ये है कामिंग रिवर। तो यहाँ अरुणाचल का चेक पोस्ट आ गया है, तो यहाँ हमें चेकिंग करवाना पड़ेगा। तो हमारा वो ये परमिट चेकिंग हो गया है, ठीक है, परमिट चेकिंग हो गया, और हमें शायद मुश्किल से 5 मिनट लगा है, नहीं हमें 5 मिनट लगा, हो गया, बहुत इजी है। हमने एल पी करवा के आया था ऑनलाइन, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो चेक पोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहीं पर हम अभी होटल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलता है। तो भालुकपुंग से थोड़ा सा आगे निकल आए हम होटल ढूंढते, क्योंकि हमें हमारे पसंद वाला लोकेशन में होटल चाहिए, थोड़ा सा ऑफ पीक प्लेस में। तो ये रहा, हम आज यहीं पर रुकेंगे,
लोकेशन काफ़ी सुंदर है, देखिए यहाँ से नदी का व्यू भी आ रहा है, बहुत सुंदर लगा हमें ये लोकेशन, सुंदर लग रहा है। ये होटल कुछ ऐसा खास नहीं है, पर ये पॉइंट जहाँ पर ये होटल है वो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हमने ये चूज़ किया। एक ही रात का एक ही रात हमें रहना है और ये लोकेशन जस्ट ऑसम है ना, ऑसम मतलब कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब अगर आप कैमरा में कितना समझ पा रहे हो मालूम नहीं, बट ये देखिए इस तरह का है, और पहली बार देख के ही वो होता है ना, मतलब लग जाता है कि अरे यार ये जगह सही है, रही जैसा भी हो, तुम जैसा भी हो हम लोग तो यहाँ रह लेंगे, वैसा ही कुछ हम लोग को लगा और इसीलिए हम लोग बुक कर दिए। क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊँ तो रूम यहाँ पर रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी, पर ये लोकेशन इतना पसंद आ गया ना, और रूम का रेंट हमें पड़ा 1000 रुपीज़ एक रात के लिए, तो ठीक है, तो ये लोकेशन के हिसाब से ठीक है, हम रह लेंगे। हाँ। तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अभी हम थोड़ा सा निकले, रिवर के साइड जा रहे हैं, पास में ही है तो पैदल ही जा रहे हैं, और देखिए चारों तरफ कितना सुंदर व्यू है, तो फिर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं रिवर। ये देखिए ये है रिवर, और देखिए फोर व्हीलर जा रहे हैं रिवर के बीचों बीच से, इस पार से उस पार नहीं, शायद बीच में कहीं जा रहा है, बहुत सारे लोग भी गए हैं उस तरफ। तो अभी बज रहे 4:30 और अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम वापस लौट आए हैं, अभी रूम जा रहे हैं, जाके थोड़ा चाय वाय पियेंगे। अरे तो हम सोच रहे हैं कि बाहर ही कहीं पर चाय पिया जाए, रूम नहीं जा रहे हैं, बाहर चाय पियेंगे फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे और फिर रूम जाएंगे, चलिए देखते हैं यहाँ चाय मिलता है कि नहीं। तो ये हमारा चाय, चाय पीने के बाद हम थोड़े और आगे आ गए, यहाँ हमने ले लिया है पकोड़ा और साथ में मिर्ची चटनी जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो आज का वीडियो बस यही तक, कल मिलते हैं इस सीरीज़ के एक नए वीडियो के साथ।